नमस्कार, मैं हूं दीप शिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बड़े खबरों का फटाफट अंदाज में। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने देश भर में रेल रोको अभियान चलाया, जिसके तहत जगह जगह रेल रोक का विरोध जाहिर किया गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ यह अभियान शाम 4 बजे तक चला। बिहार में रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी। रेल रोको अभियान का असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। यूनाइटेड किसान मोर्चा के किसानों ने जम्मू के चन्नी हिम्मत इलाके में रेल रोकी और रेलवे ट्रैक को जाम किया। पंजाब में भी बड़े स्तर पर रेल रोको अभियान के तहत किसान रेलवे ट्रैक पर जमा हुए और कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल किया। अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोकी। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों के अंदर रेल रोको अभियान का असर व्यापक तौर पर देखने को मिला। अंबाला में कृषि कानूनों के विरोध में किसान रेलवे लाइन पर बैठे और रेल रोकी। रेल रोको अभियान के मद्देनजर किसानों ने पलवल में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए। कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन को किसानों ने पूर्ण रूप से जाम किया और उसके साथ ही कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। करनाल के खरौंडा में भी रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया, मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई। पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। सेक्टर 19 में रेलवे ट्रैक पर भी सैकड़ों किसान धरने पर बैठे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। पंचकुला में बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देते हुए बैठे और वहीं लंगर भी खाया। मौके पर भारी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। जींद में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। किसान दिल्ली फिरोजपुर ट्रैक पर बैठे। मौके पर सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। फतेहाबाद में जिले के जाखल में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोहारू में किसान और सब जाति शोराण खाप 84 के लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। कैथल में भी रेल रोको अभियान के तहत किसान एकजुट हुए और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। लखीदादरी में खापों की अगुवाई में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। गांव पातुवास के रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और यहां भी महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। पानीपत में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर मोर्चा संभाला और 7 जगह पर रेल रोकी। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रोहतक में लाखन माजरा रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे और रेल रोकी। रेल रोको अभियान में मौके पर ज्यादातर महिलाएं शामिल हुई। जींद में रेलवे ट्रैक जाम के दौरान एक अज्ञात युवक रेलवे ट्रैक के बीच आकर खड़ा हो गया और पत्थर उठाकर ट्रेन की तरफ फेंकने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद किसानों ने युवक को पकड़ा और ट्रैक से हटाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 85वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और MSP पर कानून लाया जाए। PM ने गुरुवार को असम को बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके साथ ही कई अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। PM ने संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मपुत्र का विस्तार मिलन का तीर्थ है। केंद्र और असम की सरकार ने ब्रह्मपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में भौगोलिक सांस्कृतिक तौर पर काम किया है। असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। PM ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही मजूली में भी सड़क का तेज विकल्प मिल पाएगा। PM ने कहा कि नेवाटी और मजूली के बीच रोपैक्स परिचालन में मौजूद समय से तय की जा रही 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। रोपैक्स परिचालन शुरू होने से उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी केवल 3 किलोमीटर रह जाएगी, तो वहीं धुबरी और हतसिंगी मारी के बीच 220 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 28 किलोमीटर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा लगातार तेज होता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचे।
जहां उन्होंने दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि मछुआरों की मछली टीएमसी के गुंडे खा गए, बीजेपी को सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में तुष्टिकरण खत्म करेंगे ताकि लोग सरस्वती पूजा रामनवमी को मना पाए। अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 34 कार्यकर्ताओं की हत्या की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे जेल में होंगे। रैली में अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी है, हमारी सरकार एक एक घुसपैठी को बाहर निकाल देगी। अमित शाह ने कहा कि अम्फान तूफान के बाद केंद्र सरकार ने जो भी पैसा भेजा है उसे टीएमसी के गुंडे खा गए हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी जांच की जाएगी। ममता सरकार सिर्फ भतीजा बढ़ाओ अभियान चला रही है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम से हमला किया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों की ओर से किए गए इस हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मंत्री जाकिर हुसैन अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मुर्शिदाबाद के निम्न तिता रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, उसी समय उन पर यह हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले पर सुनवाई बंद कर दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं और इसीलिए साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायपालिका के खिलाफ साजिश बताया है। आपको बताते चले कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ साल 2019 में एक महिला ने कथित तौर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पंजाब में शहरी निकाय के नतीजों से बीजेपी को झटका लगने के बाद से कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला है। चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा है कि क्या मोदी सरकार अभी मानते हैं कि कृषि कानून लोकप्रिय है। चिदम्बरम ने कहा कि विदेश मंत्रालय सरकार की गलत नीतियों के चलते तेजी से अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। चिदम्बरम ने आगे कहा कि किसान मतदाता है, प्रवासी कामगार, एमएसएमई और गरीब परिवारों में जो भी गुस्सा है वो लोग चुनाव में निकालेंगे ही। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने की चेतावनी दी है। पटोले ने इन दोनों ही एक्टर्स पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया है। नाना पटोले ने कहा है कि ये दोनों ही एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट किया करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल रसोई के गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब ऐसे में इन दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। टोल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है, यानी कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। टोल किट कांड में एक के बाद एक नाम आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में 7 नाम का भी खुलासा हुआ है और ये नाम धालीवाल की सहयोगी अनिता लाल का है। इसके बाद से अनिता लाल अब दिल्ली पुलिस के रडार पर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने की वजह से आज सैलाब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो चुकी है, जबकि तपोवन सुरंग में करीब 145 लोगों की तलाश जारी है। तपोवन टनल से मलबा और कीचड़ हटाए जाने का काम जारी है। कुछ लोगों के अभी भी टनल में फंसे होने की आशंका है। कई गांव से संपर्क टूटने के बाद से ITBP ने यहां राहत कैंप लगाए हैं और लोगों को जरूरी चीजें मुहैया कराई है। 20 विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर के दौरे का ये दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यूरोप और अफ्रीका के करीब 20 राजनयिकों की टीम बीते दिन जम्मू पहुंची थी। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान यूरोपीय संघ का ये दल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के विकास कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल पर 32 पैसे की बढ़ोतरी के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 89.88 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 80.27 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना महंगा हो सकता है। दरअसल टेलीकॉम कंपनी आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान के रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे ग्राहकों को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट सर्विस यूज करना महंगा पड़ सकता है। वहीं 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कारोबारी साल यानी 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज एक बार फिर से टैरिफ प्लान महंगे कर सकती है।
हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। और नाम में नाबालिग बुआ भतीजी के शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब बुआ भतीजे के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। एसओजी की टीम 10 टीमों का गठन किया गया और उसके साथ ही युवतियों के परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मामला उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र का है, जहां बुआ और भतीजी खेत में दुपट्टे से बंधे हुए मिले थे। तीनों खेत से चारा लेने के लिए गई थी। दो लड़कियों की मौत हो चुकी है जबकि तीसरी की हालत गंभीर है। इस बीच घटना पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही जिंदा बची लड़की को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काटा। यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया। यूपीपीएससी 2019 में मथुरा के विशाल सारस्वत ने टॉप किया है। गोमती रिवर प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई ने लखनऊ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें कार्यकारी अभियंता रूप सिंह यादव, जेई राजकुमार यादव को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के आरोप पत्र में दो प्राइवेट कंपनी के निदेशक भी आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सीबीआई ने बताया कि आरोप था गोमती नगर रिवर फ्रंट के तट को बनाने और सौंदर्यीकरण करने में बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़ने के सबसे बड़े अभियान की यूपी में शुरुआत हो चुकी है। यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया कमेटी की उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने अमेठी से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बातचीत में कहा कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ना तो पूरा हुआ है और ना ही पूरा हो पाएगा, लेकिन इस देश के संविधान की जो भी विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। झांसी के बीच चौराहे पर युवक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची और पीड़ित महिलाओं से रूबरू हुई। ज्यादातर पीड़िता महिलाओं ने दहेज प्रथा जैसी कई शिकायतों की उनके सामने अपनी समस्या रखी। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके चलते एक अपराधी हंसराज उर्फ बउआ की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर कोतवाल अतुल सिंह ने नोटिस चस्पा कर बने मकान को कुर्क कराया। एसपी ने बताया कि कुर्क की कई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में युवक की पराली में लिपटा हुआ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ, जबकि परिजनों ने बीते दिनों युवक की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन केस में पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल पंचकुला की ईडी कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समन जारी किया है। कोर्ट की तरफ से हुड्डा के साथ साथ सभी 22 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। ईडी ने कुछ दिन पहले ही यह मामला चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं समन जारी होने पर पूर्व सीएम हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं उस परिवार से जो अंग्रेजों के सामने भी नहीं डरा और इसके साथ ही हुड्डा ने भी कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में एसआईटी को एसीटी में बदल दिया गया, एसीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि जहरीले शराब कांड में कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं, इसमें मंत्रियों की भी मिली भगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच कराने में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। इनेलो नेता ने कहा कि फैक्ट्री से बिना लाइसेंस की शराब निकाली गई और बिना लाइसेंस की शराब अवैध रूप से बेची गई है। गृह मंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभय चौटाला ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि सीएम के सामने प्रदेश में लूट हो रही है। इनेलो को लेकर उन्होंने कहा कि इनेलो में पुराने नेताओं की वापसी हो रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी।
मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन किसानों ने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए शहादत दी है, और इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवारों को कभी अकेला ना छोड़ा जाए। अंबाला में हुई नगर निगम की मीटिंग में कमिश्नर के साथ साथ कई अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद से अंबाला की मेयर शक्ति रानी ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षदों के साथ बैठक की। इस बैठक में नदारद होने पर पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। नगर निगम कमिश्नर के बैठक में नहीं आने और निगम पर बजट ना पास होने पर मेयर शक्ति रानी ने दुख व्यक्त किया और कहा कि हाउस और जनता के हित में नहीं है। रेवाड़ी के डहीना इलाके से पुलिस की बर्बरता सामने आई, जहां शहीद स्मारक के पास बस शेल्टर बनाने को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे परिवार से पुलिस ने मारपीट की। सोनीपत सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आंदोलन में शामिल किसान की मौत के बाद से अस्पताल के शव गृह में मृतक किसान का शव रखा गया था, जिसे चूहों ने कुतर दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के बाद से अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे गुरुग्राम में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल के NDRI में स्थित पशुधन अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक पशुओं पर कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। इसके साथ ही जानने की कोशिश की जा रही है कि वातावरण के बीच पशुओं में किस तरह के बदलाव आते हैं। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 28 साल के एक युवक की मौत हो गई। मामला हलुवास गांव का है, जहां दो बाइक सवार आपस में टकरा गए और यह हादसा हुआ, जिसके बाद से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सोहाना में दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोयल फ्लोर मिल के मुनीम पर जानलेवा हमला किया और 2,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। धर्मशाला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM जयराम ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। JP नड्डा ने इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 को लेकर निर्देश दिए। JP नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक सारी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन बीजेपी में पार्टी ही परिवार है। JP नड्डा ने कहा कि अटल टनल बनाने से प्रदेश के साथ ही सेना को भी बड़ा लाभ मिला है। नड्डा ने साथ ही सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि विकास ही हमारा कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। इस बीच प्रदेश के अंदर तीसरे दल यानी कि आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार सदस्य सलीम मोहम्मद ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। सलीम मोहम्मद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियों ने हमेशा लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया और इसी के चलते अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई लोगों को जोड़ा जा रहा है। सलीम मोहम्मद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर साल हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन लोगों का विकास नहीं होता है। कुल्लू में जिला सहकार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां जिला सहकारिता के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने कांग्रेस ने सरकार से हथकरघा उद्योग के विकास पर ध्यान देने की बात कही। सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करती है तो लाखों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। विश्वभर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। 24,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 12,400 से ज्यादा केस सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,09,50,000 को पार कर चुकी है। 1,06,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 6,37,000 को पार कर चुकी है, इसमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 को पार कर चुके हैं। 8,007 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,69,000 को पार कर चुका है। 2,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनी रश्मि सामंत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रश्मि सामंत का ये इस्तीफा नस्लीय टिप्पणी को लेकर खड़े विवाद के चलते दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून से भड़के फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइट्स को खबरें पोस्ट करने पर बैन लगा दिया है। इस बैन की चपेट में कई आपात सेवाएं भी आई हैं। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। बेजोस ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और ये स्थान हासिल किया। आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए चेन्नई के खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा रहा। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉर्स को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। क्रिस मॉर्स अब तक 218 टी20 मैचेस में से 151.02 के स्ट्राइक रेट 1764 रन बनाए, इसके साथ ही 217 विकेट भी लिए। इसलिए राजस्थान रॉयल्स ने मॉरिस को ऑलराउंडर और फिनिशर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस गेंदबाज ने नवंबर 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 में डेब्यू किया और उसका बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा गया था। आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों की सूची में तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल रहे, उन्हें 14.25 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई के तेज गेंदबाज जॉय रिचर्ड्स को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा, वो इस बार सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में 4वें नंबर पर रहे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख की आईपीएल में जमकर बोली लगी, 20 लाख की बेस प्राइस वाले शाहरुख खान को किंग्स 11 पंजाब ने 5.25 लाख में खरीदा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे के लिए भी जमकर बोली लगी, 50 लाख की बेस प्राइस वाले शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 4.40 करोड़ में खरीदा। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, वो 2.20 करोड़ में बिके। स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ लगाया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम ने तेज गेंदबाज उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीम सीरीज पर बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज और शाहिद कपूर की जर्सी का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होने वाला है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पति और भाई के साथ काला चश्मा पहनकर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। एक्टर संदीप नाहर के आत्महत्या मामले में पुलिस ने दिवंगत एक्टर की पत्नी कंचन शर्मा और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिग बॉस सीजन 13 की फेमस कंटेस्टेंट शहनाज गिल जल्द पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म हौसला रख में नजर आएंगी। एक्टर रणवीर शौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फेसबुक लाइव में भावुक हो पड़े, उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे खिलाफ है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जो दड़ी विपक्ष खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।